अति सत्कारयोग संत जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरख आप जी नूं अपनी नाम भिजी रसना राही गुरमत विचारां नाल जोड़नगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश कृपालता का सदका राज लीला तेरा नाम बनाई योग बनया तेरा कीर्तन गाई सर्व सुखा बने तेरे ओले भ्रम के परदे सतगुर खोले। अज कैसा सुंदर यह सुहावना समा बनया होया है। नौ प्रकार की भगती है, सरवण सिमरन कीर्तन पद सेवा अरचान दासा सखपन बंधना भगत निवेदन जान। ये नौ प्रकार की भगती विच पहला तो सरवण भगती है, दूसरी सिमरन भगती है। सरवण तो ही सारे कर रहे हैं ते सिमरन बारे संत बाबा अमीर सिंह जी भी बचन कर रहे सी और पटना साहब वाले महापुरख भी। हुण मे तो पहला धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारै धारिया। सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी वो प्रवचना दी सांझ पा के गए हैं, कीर्तन बारे उन्होंने विचार दसे हैं। ये भी इशारा दिता सी कि दो रागां बारे मैं कहा ते रागी सिंघां विच कुछ खलाओ पैदा हो गया सी। फिर तख्त श्री पटना साहब धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और ज्ञानी इकबाल सिंह जी, उन्होंने पुस्तकां भी लिखिया सिमरन बारे। जिथे भी जाते हैं तो सिमरन बारे काफ़ी वो प्रेरणा भी देंदे हैं। और श्रीमान संत बाबा सुचा सिंह जी उन्हां बारे कि उन्हां दा किस तरह का नाम अभ्यास वाला जीवन सी उदे बारे भी उन्हें इशारा दिता है। उस तो बाद सिख पंथ के महान संपर्दा शख्सियत बाबा अवतार सिंह जी, दल पंथ बाबा बिधी चंद साहब जिन्होंने छेवें पातशाह का वर है बिधी चंद छीना गुरु का सीना और बचन आ हमरी तुमरी सांझ पुछ तैनी। छेवें पातशाह ने कहा पुछतां तक तुहाडे नाल सांझ रहेगी। उन्हां महापुरखां ने भी बचन सरवण कराए हैं। सरवण ते सिमरन ते कीर्तन भगती का तीजा दर्जा है। जे दी संधि छेद व्याख्या करिए कीर्तन दी की रतन रतनी दे बराबर की चीज़ है, हीरा भी दे बराबर ने। संत बाबा सरवण सिंह जी डमेली वाले महापुरख जड़े गंधर्व सन जिन्हें सत पुस्तकां लिखिया, आज उन्हां दी बंदिश बनाउणी बड़ी मुश्किल बनी हुई है। दौदर भी ये विद्यालय रहा ते संत बाबा सुचा सिंह जी क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ऐसे महापुरखां दी बाणी है। श्री रविदास जी कबीर साहब जिन्हां दा लोग परछावा लैणा बड़ा पाप समझदे सी, कि यूनिवर्सिटी च उन्होंने विद्या ली है,
वो निरंकार की यूनिवर्सिटी है, एक शब्द की कमाई की, शब्द की बरकत ना सतगुर शब्द हजारो दीपा बिन सो अंधकार ते मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। शब्द की बरकत दे नाल उन्हां दे अंदरों साहित्यक पक्ष लै लो, संगीतक पक्ष लै लो, होर पक्ष लै लो, ये सारा अनुभवी ज्ञान प्राप्त होया। अज उन्हां दी बाणी दी व्याख्या करनी होवे बड़े बड़े जड़े विद्वान उन्हां दे दिमाग चक्कर खा जांदे हन। रागां बारे लै लो और संत रागी जगजीत सिंह, संत मनी सिंह जी मस्तुआणियां दे सेवक महापुरख अफरीका च गए, वो राग दे बड़े माहर सी, कमाल सी, कीर्तन कीता ते संत मनी सिंह जी कहन लगे, रागी सिंह जी तुहाडा आर्ट हुनर तां शलाघा योग है पर तुहाडी रसना ते गुरु नानक साहब दा निवास नहीं होया। वो हैरान हो गया, कमाल दी गल है। कहिंदे महाराज फिर कृपा करो, उन्हां दा भी कोई पुनमई कर्म सी। कहिंदे 6 करोड़ वेरी वाहिगुरु शब्द का अभ्यास करो। उन्हां जी सत वचन किया, अभ्यास किया, फिर महापुरख गए, कीर्तन किया, कहिंदे अज गुरु नानक साहब का तुहाडी रसना ते निवास है। ते धर्म सिंह उन्होंने कीर्तन किया, तुहानू पता हो शायरी भी बहुत करते सी, व्याख्या भी बड़ी सुंदर सी, कीर्तन भी। तो महाराज हरखोवाल वाले धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज कहन लगे, रागी सिंह जी तुहाडी रसना ते महाराज ने निवास नहीं किया, तुहाडी रसना ते कुकड़ बोल रहा है। कहिंदे महाराज मैं रात कुकड़ का मीट खाधा सी। कहिंदे इतने कीर्तनियां होके उदों ही कन्न फड़ लिया कि हुण माफ़ी दिओ, सारी जिंदगी मुड़ के मादक चीज़ नहीं वरतांगा। इस वास्ते राग नूं आपां निरा आर्ट ना बनाइए, एक हुनर ना बनाइए। यह वस्तु है अंदर ले जाण वाली, धुन में ध्यान, ध्यान में मन, क्योंकि धुन एक तां शब्द है वर्णात्मक जिहड़ा आपां अखरां च बोलते हाँ। जदों बार बार अभ्यास करते हाँ उदों विच इक धुन पैदा हुंदी है। वह धुन नूं गुरु ग्रंथ साहिब च अनहद नाद लिखिया, पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निरबानी। कमाल दी गल है, कबीर साहब इन्हां दो पंगतियां विच सारा ही विज्ञान दस गया। एक शब्द है आहत, आहत शब्द हुंदा जिहड़ा चोट तो पैदा हुंदा, घड़ियाल ते थोड़ा मारिया उस तों बाद थोड़ा चिर कंपन होया, आवाज़ बंद हो गई। सारंगी ते गज फेरिया, जिन्ना चिर गज फेरदे हैं आवाज़ है, बाजे दियां सरगमां उंगलां मारदे हाँ आवाज़ निकलदी है, ढोलक मरदंग लै लो, ये आहत शब्द है। दूसरा है अनाहत जां अनहत, जड़ा सुते सिद्ध हो रहा है। जड़े महापुरखां ने उस अनहद नाद नूं सुनिया, उन्होंने इस शब्द के 10 विभाग किए, वो तो साज बने हैं। सारंगी है, ढोलक है, मृदंग है, बीणा है, रवाब है, संख है, इस तरह सतसंग जी रवाब है। उन्हां आवाज़ों का उन्हें विभाग किया, जिवें मुख हवा एक है उहदे विच आक्सीजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, पर विज्ञानी इस चीज़ को समझते, आम तो हवा ही है जी, पर जिन्हां ने अंदरों अनुभव पैदा किया उन्हां अनुभवी महापुरखां ने ग्रंथ लिखे, उन्होंने साज बनाए, उन्होंने उस चीज़ को समाज में लिया गाया। हुण जिहड़ा अकबर के दरबार में तानसेन सी, कहन लगे तानसेन
तेरा कीर्तन बड़ा है, तेरे गुरु कौन है? कहिंदे मेरे गुरु बाजू बाबराओ बाबा श्री चंद जी महाराज के शिष्य सीगे। कहिंदे उन्हां दा दर्शन, कहिंदे उह तां मौज दे मालक है, खैर ज़्यादा हठ कीता लै गए। तो जिस वेले साहब सिंह समाधि विच बैठे सी, कहिंदे हुण समाधि कदों खुलणगे? कहिंदे उन्हां दी मौज है। कहिंदे फिर किवें खुले? तो तानसेन जिले राग गाया थोड़ा जिहा बिसुरे हो गए उन्हां दे उच्चे सी। कहिंदे इह की कीता? गज के बोलो। कहिंदे महाराज चेला तां तुहाडा ही आ, जे बुसुरा होया तो तुसीं बोले ना, नहीं तुहाडी अखंड समाधि कित्थे खुलनी सी? सारा जंगल, सारी बनचर पंछी उत्थे ही जड़ भाव विच सुन हो गया। धन धन बाबा जवंत सिंह जी महाराजा राजा संसी वाले, धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले। गल्लां असीं सारे करते हैं, परण कर लिया भी गुरु ग्रंथ साहिब विचों साख्यात। दूध पियाए भगत कर आया, नामे हर का दर्शन पाया साख्यात। तो जिले वरदान का समा, बाबा जवंत सिंह महाराज जी नूं कहिंदे वर, कहिंदे जदों मैं कीर्तन करा तुहाडा सामने दर्शन हुंदा होया। बाबा आनंद सिंह अपने नूं अपने बना लो, जदों कीर्तन करदे सी सुन मंडल, एक जोगी वैसे नार ना पुरख कहो को कैसे, ऐसी अवस्था बन जाती सी। अज संत सुचा सिंह जी महापुरख बड़ा उन्होंने सिमरन किया, सिमरन करके उन्होंने अंदर राग ते नाद, नाद नामे शब्द ते शब्द होंदा वेद, गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई, उन्होंने अंदर अलौकिक खिच पैदा हुई कि अज आशकी मशूकी दे किसे चल पाया। इस तरह राग की बड़ी तुहीन हो रही है। उन्होंने धन धन बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तूआने वाले और धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का आसरा लैके इस नगर विच इस संस्था का आगाज किया और बड़ बड़े जड़े रागी से उन्होंने संपर्क बनाए। और जदों पहला समागम होया तुहाडे जो बहुत शरीरां ने दर्शन किया हो, ऐसी अलौक कला वरती कि अज देव मंडल दे फरिश्ते भी इस समागम विच हाजरी भर रहे हैं। गज के बोलो। क्योंकि राग चीज ऐसी है, जदों मैं आया सी ते कीर्तन हो रहा सी कि राग नाम प्रेम दा, प्रेम दे सिर्फ ढाई अखर है, रारा तो चरण विच है ना। इहदा मतलब की है? ममा मैंने मन, ममा मैंने ममता, ममा मैंने माया, ममा मैंने मोह। मन विचों ममता दा मोह दा परे हो जाना, यही प्रेम दा लक्षण है। इस वास्ते धन धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने सुल्तानपुर की पावन धरती जदों सचखंड गए, सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल, उत्थों शब्द लैके आए। गुरु ग्रंथ साहब का आरंभ गुरद्वारा संत घाट सुल्तानपुर लोधी किया गया। उत्थों एक अखाए वस्त्र धारण करके चढ़िया सोधन धरत लकाई, उत्थे मरदाने नूं कहा जा बेबे जी तों पैसे लैके रबाब लिया। रबाब लिया कहिंदे इन्हां रबाबां ने काम नहीं देना। फिर हुक्म होया, फिर भाई फरंदा जी साखी तां लंबी है, रबाब लै के आए। कहिंदे महाराज कोई सेवा दे दईए? कहिंदे जिहड़े 20 रुपए बेबे जी तों लिया उह दे दिओ। जिहने मुड़ के पिछे देखिया तो उत्थे आदरिष्ट हो गए। कहिंदे महाराज ये की कौतक वरत्या? कहिंदे तैनू पता होगा, तेरे नाल आया सी, पुछिया नहीं दा नाँ की है? कहिंदे कहिंदा सी फरंदा। कहिंदे जिहदा नाम फरंदा फिरन तुरन वाला उह कित्थों लज्जणा? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦਾ ਗੰਧਰਵ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਬਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਿਹਾ? ਰੱਬੇ ਆਪ।
रब दे नाम दी आब मैंने तरावट नू पैदा करन वाला। हुण कई जगह असीं दर्शन लई ते रख्या होगा, पारी दे बजाउण वाले बहुत घट मिलते हैं, पर संत बाबा सुचा सिंह जी ने ये जड़ी देन दे के गए ये सदियां तक भुलेगी नहीं। बहुते लोगों नूं सी कि संत सुचा सिंह सुचे नग सी, सुचे मोती सी, वो जानगे शायद संस्था विच कमी आएगी, पर मैनू बड़ी खुशी हुंदी है कि संत ज्ञानी अमीर सिंह जी ने जड़ी वो झंडी खड़ी कर गए, उन्होंने बुलंद रखिया। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज कहिंदे सी किसे संत की तपस्या का उदों पता लगता कि उन्हां दे जाण तों बाद क्या हुंदा है। जाण तों बाद तपस्या क्यों, महापुरखां दा रुपया फिर सवा रुपया चलदा। अज देखो अस्थान की चढ़ती कला, लंगरां दी, दवानां दी, चार छफेरे, ये किन्नी महक। तुसी सारे इस बगीचे दे सगंधी वाले पुष्प हैं, ये सगंधी एक आदि धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। ये गुरु ग्रंथ साहब की, नारद जा रहा सी, एक माता बैठी है उदे को रागी सिंह, दो बच्चे हैं, उन्होंने पट्टां ते लटाया होया, बड़े सुके सड़े पिंजर निकले हुए। नारद कहन लगा हे माता ये बालक कौन हैं? कहिंदे बे नारदा तू विष्णु दा रागी है, तैनू पता नहीं? कहिंदे कृपा कर दिओ। कहिंदे ज्ञान ते बरा गया, एक बालक ज्ञान है, दूजा बरा गया, ये सुक क्यों गए, पिंजर क्यों बन गए? कहिंदे आ तेरे हाथ विच आ जिहड़ा तंबूरा फड़िया होया ना, राग गा प्रभु की उसत कर, इहदे विच इन्हां दी खुराक है। जदों उन्हां ने प्रभु की उसति गाई तो एकदम एन भड़ोलिया अर्गे बन गए। राग विच इतनी वड्डी ताकत है, दीपक राग गाइए दीवा बाल के रख दियो तो दीपक राग अपने आप जग जाएगा, श्री राग या कोलू अपने आप चलन लग पे, ये सुन तब तक का रोग टीबी नहीं रहूगी। और रागी बाग आनंदपुर तुम सुनिया होना, उत्थे दसम पातशाह वेले के रागी रहिंदे सी। महाराजा रणजीत सिंह आए, कहिंदे रागी सिंह हुण बसंत आ गया कृपा करो। कहिंदे महाराज फिर आप सारे सफेद वस्त्र पहन के आयो। तो जदों उन्होंने राग गाया सारियां दे वस्त्र जड़े सी केसरी रंग विच रंगे गए। शेरे पार पंजाब महाराज रणजीत सिंह इन्ने खुश होए, उन्होंने फिर बाग दिता, उहदा नां है रागी बाग। तो महाराज हरखवाल वाले उत्थे लंगर लाउंदे हुंदे सी होले महल्ले ते। सो कहण तो भाव राग विच इतनी वड्डी ताकत है। एक बारी कहण लगे आ जड़े अपने दूए पक्ष दे, कहिंदे सिखां च कोई रागी नहीं, ते अलमस्त साहब उन्होंने जी फिर साज मंगा लै, ते कहिंदे रागमाला गाओ। उन्होंने पुठियां उंगलां करके रागमाला गाई, ते जिन्ने अमीर जादे सी अलमस्त ज्ञान सिंह जी दे अगे नक नाल लकीरां कढ गए। एक बार उन्होंने सूही ललत गाई, ये दास अनुभव की गल दस रहा, ऐं होया पे जिवें आके सभा विच गंधर्व बैठ गए, ये कौन कृपा करके गए आ? ये महाराज टौड़ा साहब श्रोमणी कमेटी के प्रधान सुल्तानपुर आए। मैं कहा महाराज आपां राग की गल करते हैं कि गुरु नानक साहब ने इत्थे रवाब बख्शिया, इत्थे मूल मंत्र गुरु ग्रंथ साहब की आरंभकता की, इत्थों साधु भेख तार के उदासियां करन गए, तो तुसीं मरदाना जी के नाँ ते इत्थे बदियाला क्यों नहीं खोलते? टौड़ा साहब ने बेनती प्रवान की, तो संत घाट वो बदियाला खोलिया, तो जिथों बच्चे सिख्या लै किथे किथे जा रहे, हुण इस स्थान तो किन्ने विद्यार्थी सिख्या लै के जा रहे, क्योंकि असली अन्न का भी दान बहुत है। आ जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान समदान ने तपना खिमा समझा, ये सब नों वड्डा दान आ। भोजन एक दो दिन खिलावांगे जी तो कोई गुण आ जाता, वो आप भी दूजे नूं भी छकाउंदा। आ छेत्र ला गया ना बाबा सुचा सिंह जी, इस करके प्यारियो समा ज़्यादा नहीं, क्योंकि जे व्याख्या करन लगीए फिर तां
बहुत बड़ी हो जाती है। तो साढ़े पंथ विचों एक महान शख्सियत धन धन बाबा मोहन सिंह जी महाराज भिंडर वाले गुणा दे सागर कमाल है जीवन त्याग बैराग विद्या एवं मुठ बनी रखी वो सानू बछोड़ा दे गया। 11 तरीक महापुरखां दी याद विच पिंडरां च समागम आ धन धन बाबा खजान सिंह जी महाराज गृहस्थी तुसीं सारे ही हैं उन्हां दे जीवन तो सिख्या लईए। माता ने बेनती की महाराज पुत्र वास्ते अरदास करो, कहन लगे 125,000 जपजी साहब का पाठ करिए 36-36 लाख मूल मंत्र का। फिर अरदास की दे दोस पुत्रां ने जन्म लिया धन धन बाबा सुंदर सिंह जी महाराज धन धन बाबा इंद्र सिंह जी दोनों बाल ब्रह्मचारी सारा जीवन तुहाडे पंथ दे लेखे ला गए। और बाबा बिशन सिंह मराले वालिआं तों ब्रह्म विद्या लै के ते पिंडरां अपनी जिहड़ी परसनल जमीन सी पिता पुरखी उहदे च केंद्र कायम करके आ सारी दुनिया नूं नाम बाणी दा प्रभाव किन्नी बख्शिश करके गए ते अज उहनां दा पिंडरां पिंडरां बज रही। कमाल है संत सुचा सिंह जी जबद्दी विच आए इत्थे आ के उन्होंने यह कीर्तन दा राग दा बूटा लाया अज सारे विश्व दे कोने विच जबद्दी जबद्दी हो रही है। यह सुगंधी कित्थे तक पहुँच गई? एक संत सी उहदा चेला कहिंदा महाराज मेरे ते किरपा करो, कहिंदे आ जिहड़े बोर्ड दे टाणे जद मील मील चले जाणगे फिर किरपा हो। संत शरीर छड गए वह थमियां दे के टाणे वधाउण लग पिया, कहिंदे तां गल बणी किन्ने क वधाउणे सी वो उन्हां दे गुरु भाई महापुरख सी महाराज मैनूं समझ नहीं। कहिंदे इहदा मतलब सी तूं अपने अंदर गुण इन्ने पैदा कर गुणां दे टाणे दूर तक चले जाण उदण किरपा होगी। अज संत बाबा सुचा सिंह धन धन बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तुआने वाले उन्हां दी आशीर्वाद दे पात्र बने, तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब नूं नतमस्तक रहे, तुहाडी संगत दी महापुरखां दी असीस सुनी लई अज ये संस्था कित्थे तक शोभा प्राप्त कर रही है। कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। सो संत बाबा अमीर सिंह जी इन्ना इन्हां दे अंदर प्यार है कमाल है। सो साध संगत जी अज मैनूं बड़ी खुशी है कि असीं तां हुण बुढ़े हो गए हाँ जाना ही हाँ, नाल दे साथी तकरीबन तुर गए हैं, पर देखते हैं कि साडियां अखां दे सामने साडे गुरभाइयां दे जां साडे लाए बूटे अज वो फलदाई हो रहे हैं। उन्हां फलां च रस है, उन्हां फलां चों बीज पैदा होया जिहड़े गाह भी उन्हां बूटियां नूं पैदा कर सकन। अज मैनूं बहुत खुशी है ते धन गुरु नानक साहिब कलगियां वाले पातशाह आ देखो किसान जिहड़ा है अन्नदाता है, अन्नो ही ब्रह्म उपासते जपिया ना मन के साथ। पर तुहाडे पंजाब दे सिखां ने सारा हिंदुस्तान जगा दिता, अज सारे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली दुआले घेरा कत के बह गया। जगाउण वाले कौन है? तुसीं तुहानू किन जगाया? तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। यह गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा है, इस करके मोर्चा फतेह हो ही जाना। इन्नी संगत इकट्ठी हुई अरदास कर दो, तुहाडी अरदास जी बहुत बरकत है। सो साध संगत जी सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी, सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी आ जिन्ने महापुरख जिन्ने रागी सिंह बैठे है किदा किदा ना लीजिए किदा छड़िए ये सारे सुचे मोती है। जेदा कला कला मोती होवे मोती है, जे परोदे ही है ना फिहार बन जाता कीमत बधेरे बन जाती है। आ संत सुचा सिंह जी ये सारा गुलदस्ता बना के गए हैं ते संत बाबा अमीर सिंह जी ने इन फुलां नूं मरझाउण नहीं दिता। ये क्यों इस तरह प्रफुल्लत है? जड़ा संतां ने मार्ग चलाया सी ना संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बडभागी पाए, संत बाबा अमीर सिंह जी वो खुराक तुहानूं देई जा रहे हैं।
ते दूसरे पासे भाई पिंदरपाल सिंह जी वो भी इन्हां दे भरा लगते है। वो साहित्यक पक्ष लै लो, ये संगीतक पक्ष लै लो, कमाल है। सो साध संग जी आए हुए महापुरखों का समुचिया संगतों का और स्वर्गीय संत बाबा सुचा सिंह जी महाराज का और मौजूदा इस अस्थान चलाने वाले संचालक संत बाबा अमीर सिंह जी महाराज जी का इन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन कि इस तरह जड़ा बूटा महापुरख ला के गए है, इस तरह चढ़ती कला दे विच संस्था चलती रहे। आई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज कृपा करन, सब नू नामदान सिखी दान भरोसा तंदुरुस्ती की दात बख्शिश करन, खालसा पंथ विच एकता अतफाक प्यार चढ़ती कला बख्शिश करन। कल एक हिंदू किसान बोल रहा सी, कहिंदे साडा लीडर बंदा सिंह बहादुर। मैं क्या कमाल की गल है, ये क्यों कह रहा? क्योंकि तुहानू जिमीदारां नू आज जमीना बंदा बहादुर दे के गया, नहीं तो मजारे जड़े सी उन्हां दे पल्ले की पैंदा सी। ते हुण किसान उहदा दिन मनाउंदे कि साडा कहिंदे शहनशाह साडा लीडर बंदा सिंह बहादुर जिन्हां ने संमत सिक्के मोहरां चलाईआं, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है, देख तेग फतेह, नुसरत बेदन याफत, नानक गुरु गोबिंद सिंह श्री अकाल पुरख जी सहाय। अज देखो चेते कर रहे हैं कि उन्होंने सानू जमीना दित्तियां, सानू लुट लुट खा रहे सी, ये कृपा है। इस करके सिंघो जिधर तुम जाना मोर्चे फतेह कर ही लैने हैं, पर कलगीधर दे बन जाओ, रोमां की बेअदबी छड़ दिओ, खंडे बाड़ा अमृत छक के गुरु वाले बनो, निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, हर किस ना बाशद पंज मुआफ, कड़ा कार दो कछ कंघे बिना, हस किश ये जुमले निशा। इनियां बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद अति सत्कारयोग संत बाबा जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरखों का। महापुरखों वालों सन्मान है जी। बोले सो निहाल, संगत अंदर सुभाएमान हैं अति सत्कारयोग संत बाबा बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी वाले महापुरख।